हेलो गाइस, वेलकम टू द प्लूटस एकेडमी। लास्ट सेशन में, लास्ट वीडियो में मैंने आपके साथ एसबीआई क्लर्क 2019 के क्वेश्चंस डिस्कस किए थे। ऑलमोस्ट 18 क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए थे। इनफैक्ट एग्जैक्टली मैं बोलूँ तो 18 क्वेश्चंस डिस्कस किए थे हमने वहाँ पे। आगे के क्वेश्चंस इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ। जो क्वेश्चंस यहाँ पे आपको दिखेंगे वो होंगे अल्फा न्यूमेरिक सीरीज के एंड पजल के एंड सेटिंग अरेंजमेंट के एंड ऑर्डर एंड रैंकिंग से क्वेश्चंस है जो ऑर्डर बेस्ड है। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन आपको यहाँ पे मिल रहा है अल्फा न्यूमेरिक सीरीज से, जिससे आपको 5 नंबर का सेट पूरा आया था, 5 क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो देखो बहुत सिंपल से क्वेश्चन है यहाँ पे अल्फा न्यूमेरिक के। पहला क्वेश्चन क्या बोलता है, उसमें बढ़ते हैं। पहले क्वेश्चन में आपको बोल रहा है कि ये जो सीरीज है इसमें से अगर सारे सिंबल और नंबर को आप ड्रॉप कर दो, ऑब्वियस सी बात है नंबर सीरीज, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज का मतलब क्या हुआ, ऐसी सीरीज जिसके अंदर अल्फाबेट्स, नंबर एंड सिंबल्स तीनों हो। अब अगर आप नंबर और सिंबल को ड्रॉप कर देते हो तो तुम्हारे पास सिर्फ अल्फाबेट्स बच रहे हैं। तो कहता है कि जितने अल्फाबेट्स बचे हैं उन्हें डिसेंडिंग ऑर्डर में आप अरेंज कर दो। जब इन नंबर एंड सिंबल को आप ड्रॉप कर दो तो जितने भी आपके पास अल्फाबेट्स बचे हुए हैं उन्हें डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दो, और अरेंज करने के बाद बताओ कि राइट एंड से एर्थ पोजीशन पे कौन सा एलिमेंट आ रहा है, कौन सा अल्फाबेट आ रहा है। तो सबसे पहला काम हमने ड्रॉप करना है। ड्रॉप करने के बाद जो लेटर्स बचे हैं उसको लिख लो। अगर हम उसको लिखते हैं तो जो हमारे पास लेटर बचेंगे वो मिलेंगे आपको, वो होंगे आपके ई, देन एम, जेड, ए। नाउ आगे का जो लेटर आएगा वो होगा टी, बी, आई, ओ, वी, E, U, ठीक है। अब इसको कहता है कि इसको आप अरेंज कर दो किस तरह से, डिसेंडिंग ऑर्डर में, जैसे कि डिक्शनरी का एक फॉर्म होता है। लाइक डिक्शनरी फॉर्म तो आपका असेंडिंग ऑर्डर में होता है, बट अगर आप डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर रहे होगे तो ऑब्वियस बात है कि Z से अरेंज करोगे, है ना। तो सबसे पहले अरेंज करना हमने स्टार्ट किया, हमने क्या किया, Z आएगा एंड इसके बाद आपको जो लेटर मिलने वाला है यहाँ पे वो लेटर आपका होगा V, देन U, देन आपका आएगा यहाँ पे कौन सा लेटर है। देखो साथ में काटते चलोगे तो ज्यादा आसान हो जाएगा। आपने Z अरेंज कर दिया, आपने V अरेंज कर दिया, आपने U अरेंज कर दिया, तो अब जो छोटा लेटर आपको दिखाई दे रहा है दैट इज T, देन आपको O मिलेगा, देन आपको M मिलेगा, देन आपको यहाँ पे देन M के बाद आपको जो लेटर मिल रहा है दैट इज I, एंड उसके बाद आपको मिलेगा उसके बाद आपको लेटर मिल रहा है डबल ई, और उसके बाद आपको लेटर मिलता है बी, एंड देन लास्ट वन इज ऑब्वियस ए। ठीक है, अब पूछता है राइट एंड से बताओ कि कौन सा इसमें एट्थ लेटर होगा। तो आप काउंट कर लो 1 2 3 4 5 6 7 8, दैट मींस आपका आंसर यहां पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आई होप कि क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलो बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोलता है कि एक प्रोसेस के थ्रू इन नंबर्स को एक सीरीज बनाई गई है। सीरीज में जो क्वेश्चन मार्क है के प्लेस पे कौन सा पैटर्न, कौन सा सेट आने वाला है। तो सबसे पहले तो ये पहचानो कि सीरीज एक्चुअल में बनी किस तरीके से है, क्योंकि जब आप वो पहचान लोगे तो ही आप आंसर को फाइंड आउट कर सकते हो यहाँ पे। तो आपने बोला 38Z हम सीरीज में अगर देखते हैं, और ऑब्वियस सी बात है बच्चे कि जब आपको अल्फान्यूमेरिक सीरीज की बात की जाती है तो हमेशा प्लेसेस को लेकर के क्वेश्चंस बनते हैं। प्लेसेस को लेकर के मतलब जो उनको प्लेस दिया हुआ है, देखो 3 जो है वो थर्ड प्लेस पे है, और अगर आप 8 को देखते हो तो वो कौन से प्लेस पे है, 3 से राइट मूव करने पे थर्ड प्लेस पे मिलता है। तो यहाँ पे पिक करने का एक तरीका है, वो आपको पहचानना होगा। क्या करना है, जो पहला लेटर लिया है, पहला नंबर लिया है, उसको लेते हैं 3, उसके बाद वो राइट में मूव करते हुए दो लेटर को छोड़ते हुए एक नंबर को पिक कर रहा है, और उसके बाद क्या कर रहा है, उसी नंबर से पहले जो भी लेटर या नंबर या कुछ भी आया हुआ है उसको पिक कर रहा है। मतलब 8 के पहले Z आया था तो उसने ले लिया। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या किया कि 5 के बाद उसने 7 लिया। अगेन देखो 2 ड्रॉप कर रहा है, और 2 ड्रॉप करने के बाद 7 के जो लेफ्ट में तुरंत आ रहा है उसको ले ले रहा है। देन फिर से एक बीच वाला, देखो यहाँ पे भी A को ड्रॉप किया था बीच में, तो यहाँ पे डॉलर को बीच में ड्रॉप करता है, फिर T ले रहा है। T से ये 6 पे जा रहा है ट्रू ड्रॉप करते हुए, और 6 के बगल में जो लेफ्ट एंड लेफ्ट पे जो आ रहा है B, उसको ले लिया। तो अब आप जब लोगे तो आप एट द रेट को ड्रॉप करोगे, ड्रॉप करने के बाद आपने I पिक किया तो आप 2 और ड्रॉप करने जा रहे हो यहाँ पे, तो हैश टैग लोगे, और हैश टैग के लेफ्ट में जो मिल रहा है उसको लोगे, तो यहाँ पे क्या बनेगा, I हैश टैग V। तो
तो ये आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे, तो मतलब ऑप्शन सी यहाँ पे आपका आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 20 का। नाउ क्वेश्चन नंबर 21 में क्या पूछा है आपको, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नाइन्थ एलिमेंट टू द लेफ्ट ऑफ एट द रेट। तो आप देख लो एट द रेट आपका यहाँ पे दिया हुआ है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है यार, नाइन्थ लेफ्ट में जाना है आपको, तो काउंट कर लो बस यहाँ पे, तो काउंटिंग करनी है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 दैट इज 5। इजी सा क्वेश्चन है आपका ये। नेक्स्ट क्वेश्चन ये बताओ, नेक्स्ट क्वेश्चन है एक सेकंड के अंदर आना चाहिए आपको। यहाँ क्या कहता है कि सारे सिंबल्स, जितने सिंबल्स हैं अगर उनको कोई नंबर प्रीसीड कर रहा है, जितने भी सिंबल्स गिवन है सीरीज में अगर उनको कोई नंबर प्रीसीड कर रहा है तो करना क्या है तुम्हें, उनकी प्लेसेस को इंटरचेंज कर दो। उनकी प्लेसेस को अगर आपने इंटरचेंज किया तो आपको बताना है कि लेफ्ट एंड से 11th एलिमेंट कौन सा होगा यहाँ पे। तो आप बोलते हो यहाँ से सीधा 11th एलिमेंट काउंट करना स्टार्ट करते हैं, क्यों, क्योंकि आपको शॉर्ट तरीके से जल्दी से करना है क्वेश्चन को, तो आप सीधा क्या करोगे लेफ्ट एंड से काउंट करोगे। लेफ्ट एंड से अगर आप काउंट करते हो तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 पे 7 नंबर आया है, लेकिन जरा ध्यान दो 11 पे अगर 7 आपको मिला है तो यहाँ पे 7 के बाद क्या है, एक सिंबल है। और यहां अभी बोला था कि कभी भी कोई इस पूरी सीरीज में जितने भी सिंबल्स दिए हैं उनके पहले अगर कोई नंबर आता है तो उनकी प्लेसेस को चेंज कर दो। प्रोसेस में अगर आप सिंपल प्रोसेस के जाते तो आप क्या करते पहले कि जितने भी आपको नंबर सिंबल मिल रहे हैं उनका प्लेसेस को इंटरचेंज करते और उसके बाद 11th एलिमेंट देखते, लेकिन आपको इतना लंबा प्रोसेस नहीं करना है, तुरंत आंसर निकालना है, तो क्या करोगे 11th नंबर तक जाओ, 11th प्लेस तक जाओ, और 11th प्लेस पे अगर कोई नंबर मिला है आपको और उसके बाद कोई सिंबल दिखाई दे रहा है तो उनकी प्लेसेस को इंटरचेंज कर दो। यहां पे क्या किया आपने, यहाँ पे बोला यहाँ 7 था और उसके बाद में क्योंकि सिंबल था तो ये इंटरचेंज हुआ होगा पहले, दैट मीन्स कि यहाँ डॉलर आ रहा होगा और यहाँ 7 मिलेगा, तो 11th एलिमेंट लेफ्ट एंड से कौन सा है, डॉलर। That means कि आपका यहाँ पे ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको पूछा गया है, और नेक्स्ट क्वेश्चन एंड अल्फा न्यूमेरिक सीरीज का ये पांचवा क्वेश्चन है, पांचवा एक सेट आपको मिला था 5 क्वेश्चंस का, ये पांचवा क्वेश्चन है उसमें। इस क्वेश्चन में क्या बोलता है, फाइंड द नंबर ऑफ प्राइम नंबर्स विच आर इमीडिएटली फॉलोड बाय अ सिंबल एंड प्रीसीडेड बाय अ कंसोनेंट। कहता है इस सीरीज के अंदर कितने ऐसे प्राइम नंबर्स हैं जिनके जिनको फॉलो कौन कर रहा हो, कोई सिंबल कर रहा हो, और जिनको प्रिसीड कौन कर रहा हो, कोई भी कॉन्सोनेंट प्रिसीड कर रहा हो और फॉलो कौन कर रहा हो, सिंबल कर रहा हो, प्रिसीड कोई भी कॉन्सोनेंट कर रहा हो एंड फॉलो कोई सिंबल कर रहा हो, तो सबसे पहले पहचानो कि कितने तुम्हारे यहां पे हैं। अब तुम्हें सिर्फ इतने का क्या चाहिए, पेयर चाहिए, इसका पेयर मिल जाए तो आप सिंपली क्या कहोगे कि आपको उतने मिल आंसर में मिल जाएंगे। तो देखना स्टार्ट करते हैं, ई एक वोवेल है तो आपको मिलेगा नहीं, आगे बढ़ जाते हैं, एम कॉन्सोनेंट है बट उसके बाद कोई प्राइम नंबर नहीं आया, जेड कॉन्सोनेंट है उसके बाद एक नंबर तो आ रहा है बट वो प्राइम नंबर नहीं है, ए आपका वोवेल बन जाता है। आगे बढ़ते हैं तो आगे क्या चाहिए हमें, कोई लेटर चाहिए, कॉन्सोनेंट मिला हमें टी, लेकिन टी के बाद एक सिंबल दिया हुआ है, नंबर नहीं है, आगे बढ़ जाओ, बी के बाद अगेन आपको एक नंबर मिल रहा है बट वो आपका प्राइम नंबर नहीं है। नेक्स्ट में आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे हर एक लेटर को चेक करते हुए चलेंगे तो लेटर के बाद फिर से आपको नंबर नहीं मिला, वोवेल के बाद आपको एक नंबर मिल रहा है, वो तो प्राइम वो भी एक प्राइम नंबर नहीं, और वोवेल के बाद तो आपको देखना ही नहीं है, कॉन्सोनेंट के बाद देखना है तो आप इसको अवॉइड करोगे। नेक्स्ट वाला आपका आता है यू, अगेन एक वोवेल मिला है, दैट मीन्स कि ऐसा कोई भी पेयर आपको यहाँ पे नहीं मिल रहा है जो कॉन्सोनेंट प्राइम नंबर और सिंबल का सेट बना रहा हो, दैट मीन्स आपका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन ई, कोई भी यहाँ पे आपको नहीं मिला, दैट मीन्स आंसर इज नन। नाउ ये थे आपके अल्फा न्यूमेरिक सीरीज से पूछे गए क्वेश्चन, बहुत ही इजी पैटर्न के ऊपर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका वो अगेन सिटिंग अरेंजमेंट से है, और ये सिटिंग अरेंजमेंट कैसी है, रो की सिटिंग अरेंजमेंट है बट यहाँ पे क्या बोला है, अनसर्टेन नंबर ऑफ पीपल है। लाइक आपने अभी तक जो सिटिंग अरेंजमेंट देखी होगी रो की, उसमें पर्संस डिफाइन कर देता है कि 8 लोग बैठे हैं, 10 लोग बैठे हैं, 14 लोग बैठे हैं, बट इस क्वेश्चन के अंदर उसने ये डिफाइन नहीं किया है, उसने ये बताया नहीं है कि रो में कितने लोग बैठे हैं, आपको फाइंड आउट करना है किसके अकॉर्डिंग, जितनी भी कंडीशन दी हुई है इसके अकॉर्डिंग। बट आपको अगेन यहाँ पे फिर से पहचानना होगा कि क्वेश्चन को एक्चुअल में स्टार्ट कहाँ से करोगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे यहाँ पे,
जितनी भी कंडीशंस गिवन है उन सारी कंडीशंस को हम देखेंगे कि कौन सी ऐसी कंडीशन यहाँ पे दी हुई है जिसके थ्रू आप क्वेश्चन को इजीली कर सकते हो। तो देखो पहली कंडीशन की बात की जाती है, ऑब्वियसली बात है अगर रो की बात कर रही है तो सबसे पहले तो आप रो ड्रॉ कर लोगे और आपको मालूम तो है नहीं कि कितने लोग बैठे हुए हैं, तो आप एक सिंपल सी रो ड्रॉ किया है आपने, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं, आगे क्या बोलता है, टू पीपल आर सिट बिटवीन पी एंड क्यू। पहली कंडीशन आपको बोलता है कि पी और क्यू के बीच में दो पर्सन बैठे हुए हैं। लेकिन बच्चे अगर आप यहां से स्टार्ट करते हो ना तो आपको दो डायग्राम के साथ जाना पड़ेगा, लेकिन आपको ऐसी कोई कंडीशन यहां पे फाइंड आउट करनी है जिसके थ्रू आप सिंपल एक सिंगल डायग्राम में बना सको। तो देखो नेक्स्ट कंडीशन पे बढ़ो, नेक्स्ट कंडीशन क्या बोलता है आपको, क्योंकि अगर आप पहली कंडीशन के थ्रू जाओगे तो डेफिनेटली आपको यहां पे दो कंडीशन लेनी पड़ेगी, क्योंकि आपको यहां ये नहीं मालूम कि पी के राइट में क्यू बैठ रहा है या पी के लेफ्ट में क्यू को रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे दो डायग्राम बनाने पड़ जाएंगे, ऐसा नहीं करना है आपको। नेक्स्ट कंडीशन पे बढ़ जाओ, नेक्स्ट कंडीशन में बोलता है आपको एस सिट्स sixth to the left of Q and eighth from the extreme left end of the row. अब extreme left end क्या होता है, इसी को तो आप बोलते हो left end, ये आपका left end होता है, ये आपका right end होता है ना। और extreme left end से eighth position पे है S, तो आपको यहां पे draw करना होगा, आपने बोला एक्सट्रीम लेफ्ट एंड से एस है, ठीक है। देखो ये पोजीशन, ये कंडीशन ऐसी थी जिसके थ्रू आप क्वेश्चन को इजीली कर सकते हो, स्टार्ट कर सकते हो, स्टार्ट कर सकते हो इस कंडीशन के थ्रू, ठीक है। तो यहां से आपने स्टार्ट किया और एक और इंफॉर्मेशन दे के रखी है, एस जो है वो क्यू के लेफ्ट एंड से सिक्स्थ प्लेस पे बैठा हुआ है। तो अगर कोई पर्सन किसी के लेफ्ट से सिक्स्थ पे बैठा हुआ है, दैट मींस कि वो पर्सन उसके राइट में होगा। मतलब अगर मैंने यहां पे क्यू को बनाया, यहां पे क्यू को बनाया, तो बोलता है कि इसके सिक्स्थ लेफ्ट में, दैट मींस 1, 2, 3, 4, 5 और ये सिक्स प्लेस है जहां पे एस बैठ रहा है। दैट मींस इन दोनों के बीच में कितने लोग हैं, पांच लोग बैठ रहे हैं। अब आगे बढ़ जाओ, आगे एक कंडीशन तो आपने डाल दी यहाँ पे। नेक्स्ट कंडीशन में बोलता है आर सेट्स फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ एस। देखो कनेक्ट करता हुआ आपको मिल रहा है आगे, जैसे ही आपने पहली कंडीशन को छोड़ करके सेकंड कंडीशन से स्टार्ट किया तो आपको अपने आप कनेक्शन क्वेश्चन के अंदर दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट में बोलता है आर जो है वो एस के लेफ्ट में फोर्थ प्लेस पे है, तो एस के लेफ्ट में जाओ, जो आपका लेफ्ट हैंड होगा वही एस का लेफ्ट बनेगा। आपने बोला 1, 2, 3, 4, दैट मींस कि आर आपको यहां पे मिल जाएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट कंडीशन अगेन, आर और टी के बीच में पांच लोग बैठते हैं, तो आर और टी के बीच में पांच लोग बैठते हैं। अब जरा ध्यान दो कि आर और टी, अब अगेन यहां पर यह बात नहीं मालूम है कि आर के राइट में आप टी को बैठाओगे या आर के लेफ्ट में आप टी को बैठाओगे। एक्चुअल में आपको ये चीज पता है, क्यों पता है ध्यान से सुनना। आपको यहाँ पे पहली कंडीशन दिया था कि एस जो है वो लेफ्ट एंड से एट्थ पोजीशन पे बैठा हुआ है, दैट मींस कि आर के इधर टी बनाने के लिए, मतलब लेफ्ट पे टी बनाने के लिए आपको और पर्सन बनाने पड़ेंगे। लेकिन और पर्सन बनाओगे तो फिर एस की जो कंडीशन है वो खराब हो जाएगी, तो आप आर के राइट में ही टी को लेके जा सकते हो। तो आपने बोला आर और टी के बीच में पांच लोग बैठे हैं, तो 1, 2, 3, 4, 5, दैट मीन्स की टी इस प्लेस पे आ जाएगा। नेक्स्ट कंडीशन अगेन बोलता है यू सिट्स टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ टी। यू जो है वो टी के इमीडिएट लेफ्ट में बैठता है, तो आपने ड्रॉ कर दिया, तो बहुत सिंपल सी कंडीशन थी। नेक्स्ट कंडीशन अगेन, यू और एस के बीच में जितने भी लोग बैठे हैं, टी और वी के बीच में भी उतने ही लोग बैठेंगे, तो आपको दिख रहा है यू और एस के बीच में कोई भी नहीं बैठा है यार, तो टी और वी के बीच में भी कोई नहीं बैठेगा, दैट मीन्स वी उसके इमीडिएट राइट में बैठ जाएगा। W सेट 7 टू द राइट ऑफ V। W जो है V के राइट से 7th पे है। अब V की पोजीशन आपको पता चल चुकी है, तो इसके राइट से 7th प्लेस पे जाओ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो मतलब यहां पे आपको W मिल गया, ठीक है। और W के लिए ही वो बोल रहा है एंड थर्ड फ्रॉम वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड्स। अब अगर आपको पता है कि W यहां पे है, तो एक इन दोनों एंड में से किसी एक एंड से थर्ड प्लेस पे बैठता है, तो आपने दो पर्सन और ड्रॉ कर दिए, क्योंकि यहां से देखोगे तो 1, 2 एंड
3. एक राइट एंड से वो थर्ड प्लेस पे बैठ रहा है और वी से सेवेंथ प्लेस पे बैठ रहा है. अभी आपकी पूरी कंडीशन बन गई. अभी आपको एक कंडीशन आपने जो छोड़ के रखी हुई है, पहली कंडीशन की दो लोग P और Q के बीच में बैठेंगे, तो अब उसको आप ड्रॉ कर सकते हो. अब यहाँ पे देखो Q इस पोजीशन पे है, 1 एंड 2 के साथ अगर आप लेफ्ट में जाते हो तो यहाँ पे V मिल जाता है, तो आप यहाँ पे नहीं रख सकते हो. 1 एंड 2 के साथ जाओगे तो W के इमीडिएटली लेफ्ट आपको P रखना होगा. नाउ योर क्वेश्चन इज कम्प्लीट. आपका डायग्राम कम्प्लीट हो गया. बिना फंसे, बिना दो डायग्राम के साथ गए आपने बहुत ही ईजिली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया. अब क्वेश्चन की बारी है. क्वेश्चन नंबर 24 बोलता है आपको कि कितने लोग इस रो में बैठे हुए हैं, काउंट कर लो. काउंट करोगे आपको यहां पे कितने मिलेंगे, काउंट करके देख लो. यहां पे आपको 20% इस रो में मिलते हैं. ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसी क्वेश्चन से रिलेटेड, इसी अरेंजमेंट से रिलेटेड. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ यू फ्रॉम द लेफ्ट एंड. यू से लेफ्ट एंड से, लेफ्ट एंड से यू की पोजीशन उचता है आपको. तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 नाइन्थ पोजीशन पे है. दैट मीन्स ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे. थर्ड क्वेश्चन इसी अरेंजमेंट से है. अगर एक्स इज टी के सेकेंड राइट पे बैठता है. अब आपको x को t के सेकेंड राइट पोजीशन पे रखना है, तो आपने रख दिया. आपको यहाँ पे क्वेश्चन में एग्जैक्टली क्या पूछा है कि x और q के बीच में कितने लोग बैठे हैं, तो आप बता सकते हो x एंड q के बीच में सिर्फ एक पर्सन बैठा हुआ है. तो आंसर यहाँ पे आपका क्या बन जाएगा, आंसर विल बी ऑप्शन ए. नाउ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस अरेंजमेंट, हु सिट्स सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ t, सॉरी सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, टी के लेफ्ट से सेकंड पे कौन सा पर्सन बैठा है, तो आप यहां पे आंसर कर सकते हो, दैट इज एस, ऑप्शन नंबर ई. द लास्ट क्वेश्चन, नाउ दिस इज द लास्ट क्वेश्चन. यहां पूछ रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट ट्रू नहीं है, सॉरी कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है. तो पूछा है पहला स्टेटमेंट, टी सिट्स टू द इमीडिएट राइट ऑफ वी. चेक कर लो, क्या V के इमीडिएट राइट पे T बैठा है, नहीं, V के इमीडिएट लेफ्ट पे T बैठा है. तो आप बोलते हो कि पहली कंडीशन तो गलत हो गई, पहला ऑप्शन तो गलत हो गया. सेकेंड ऑप्शन बोलता है आपको P सिट्स फोर्थ फ्रॉम वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड ऑफ द रो. P जो है वो फोर्थ प्लेस पे है किसी एक एंड से. तो P की पोजीशन पहले देखो कि P की पोजीशन यहाँ पे है राइट एंड से. अगर आप काउंट करोगे तो फोर्थ प्लेस पे आपको मिल जाएगा. दैट मीन्स कि ये ऑप्शन आपका करेक्ट है. बट यहाँ पे आपको और भी ऑप्शंस दे करके रखे हैं, इसलिए आपको थर्ड वाला भी चेक करना पड़ेगा. थर्ड वाले में बोलता है S और T के बीच में एक से ज्यादा लोग बैठे हैं. और S और T के बीच में आप चेक कर लो, S एंड T के बीच में सिर्फ एक पर्सन बैठ रहा है, U बैठा है. दैट मीन्स कि इन तीनों में से सिर्फ ऑप्शन जो सेकंड है, सॉरी जो आपको हाँ ऑप्शन सेकंड दे करके रखा है वही सही है. तो यहाँ पे आंसर आपका होगा ओनली सेकेंड, दैट इज बी. आई होप कि ये अरेंजमेंट आपको बहुत क्लियर हुई होगी, कैसे आप अनसर्टेन नंबर ऑफ पर्सन को कि अरेंजमेंट को करने वाले हो, क्योंकि बच्चे बहुत ज्यादा पूछी जा रही है. तो इस पे प्रैक्टिस बना करके रखना आप लोग. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन अरेंजमेंट को लेकर के ही है, अगेन रो को ही लेकर के है, लेकिन ये टू पैरेलल रोज को है. क्योंकि आपको भी मालूम है रोज में आपको दो टाइप के अरेंजमेंट देखने को मिलती है. एक होता है आपका सिंगुलर लाइन की अरेंजमेंट और दूसरी होती है आपको पैरेलल लाइन की अरेंजमेंट. यहाँ पे क्या है कि दो पैरेलल लाइंस बोलता है कि दो सीट्स लगी हुई हैं और इन दोनों सीट्स के थ्रू आपको आंसर्स निकालना है. बट अगेन वही बात है कि यहाँ पे तुम्हें फिर से पहचानना पड़ेगा कि कौन सा पर्सन कहाँ से, कौन सी ऐसी कंडीशन है जिससे इस क्वेश्चन को स्टार्ट किया जा सके. क्योंकि एक अरेंजमेंट तो आपको ऐसी देता ही देता है जिसमें आपको थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन होती है. तो इस अरेंजमेंट, ये अरेंजमेंट वही अरेंजमेंट है. इसको आप कह सकते हो कि प्रीलिम्स के अकॉर्डिंग ये मॉडरेट लेवल की अरेंजमेंट है. आपने इसके पहले जो भी अरेंजमेंट्स की हैं वो प्रीलिम्स के अकॉर्डिंग बहुत ही ईजी लेवल की थी. बट अभी जो आप अरेंजमेंट करने जा रहे हो वो प्रीलिम्स के अकॉर्डिंग मॉडरेट लेवल की अरेंजमेंट है. इसको मैं मॉडरेट लेवल की अरेंजमेंट बोलूंगी. तो यहाँ पे आप क्वेश्चंस को कैसे करोगे ध्यान देना, ठीक है. सबसे पहले तो आप कंडीशंस को निकालना स्टार्ट करो. यहाँ पे बोला है कि दो रोज है, दो रोज में पर्सन बैठ रहे हैं, ठीक है. पहली कंडीशन यहाँ जो देख करके रखा है कि रो वन में ए बी सी डी ई बैठ रहा है. यहाँ पे आपने लिख लिया ए बी सी डी ई बैठ रहा है और यहाँ पे लिख लो पी क्यू आर एस टी बैठ रहा है. और ऑब्वियसली बात है कि ये एकदम रो में नहीं बैठ रहा है. आई मीन जैसा दिया हुआ है आपको बिल्कुल वैसे नहीं बैठ रहा है, सेम ऑर्डर पे नहीं मिलेंगे. क्या बोलता है, इसमें जो जो फर्स्ट रो में बैठ रहे हैं वो सबके सब नॉर्थ की तरफ देखते हैं और जो सेकंड रो में बैठ रहे हैं वो सबके सब साउथ की तरफ देख रहे हैं. ये रो नंबर वन है आपकी, ये रो नंबर टू है आपकी.
इतना आपने समझ लिया, इतना तो आपको ऑब्वियस है, बहुत इजीली करते ही हो, हर कोई कर लेता है इस चीज को। अब अरेंजमेंट को स्टार्ट करने की बात है, तो अरेंजमेंट स्टार्ट कहां से करोगे? पहली कंडीशन बोलता है ई सिट्स सेकंड फ्रॉम वन ऑफ द स्ट्रीम एंड। ई जो है, आपने पहली कंडीशन देखी, बोलता है कि ई ऑब्वियस बात है नीचे वाली रो में बैठेगा, रो नंबर वन में बैठेगा, लेकिन किसी एंड से दूसरे प्लेस पे है। अब किसी एंड से दूसरे प्लेस पे मतलब कोई भी एक्सट्रीम एंड, चाहे वो लेफ्ट एंड हो चाहे वो राइट एंड हो, उसके सेकंड पोजीशन पे कौन है? ई है। ठीक है, मतलब अगर आपने कहा कि यहां पे ये है एक्सट्रीम एंड, तो आप ई को यहां बैठा रहे हो। ठीक है, अगर आप राइट से जाते हो तो, अगर आप लेफ्ट से जा रहे हो तो आप कहते हो ये है एक्सट्रीम एंड और आप ई को यहां बैठा रहे हो। ठीक है, क्लियर है। बट अगेन ये कंडीशन कैसी है? ये कंडीशन ऐसी है जिसमें आपको दो डायग्राम डेफिनेटली बनाने पड़ जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपको नहीं मालूम कि कौन से एंड से आपको स्टार्ट करना है क्वेश्चन को। ठीक है, तो इस कंडीशन से तो बिल्कुल स्टार्ट नहीं करने वाले हो आप। नेक्स्ट कंडीशन देखो, नेक्स्ट कंडीशन में क्या बोलता है? Only one person sits between the one who faces E and P. सिर्फ एक person उनके बीच बैठा हुआ है जो E और P को face करते हैं। जो persons E और P को face करते हुए बैठे हैं, उनके बीच में सिर्फ एक answer बैठता है। और इस question, इस line से भी, इस वाले statement से भी आप question को start नहीं कर सकते, क्योंकि again आपको E की position या P की position confirm नहीं है। ठीक है, तो आपने बोला कि इसमें भी मालूम नहीं है, यहाँ पे कंडीशन लिख लो कि ई और पी को जो भी पर्सन फेस करता हुआ बैठेगा उसके बीच में सिर्फ एक पर्सन आ रहा है। नेक्स्ट कंडीशन में आप पहुंचते हो, नेक्स्ट क्या बोलता है? आर सिट्स टू द इमीडिएट राइट ऑफ पी। अगेन बात वही आ जाती है, आर सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ पी, फिर भी तुम्हें नहीं मालूम है कि कहां से हम स्टार्ट करें, कहां आर को रखें, कहां पी को रखें इन पांच लोगों में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बोलता है? As many people sit to the right of R as to the right of B. R के right में जितने लोग बैठ रहे हैं, B के right में भी उतने ही लोग बैठ रहे हैं। R के right पे जितने भी लोग बैठ रहे होंगे, तीन चार दो एक, जितने भी लोग बैठ रहे होंगे, B के right पे भी उतने ही लोग बैठ रहे हैं, मालूम नहीं कितने, बट सेम पोजिशन है। तो यहां से अगर आप मैं बात करूं तो यहां पे सिंपल क्या है, क्या बोलता है कि आर के राइट में जितने हैं तो बी के राइट में भी उतने ही होंगे। अगर इस कंडीशन को मैं रिवर्स कर दूं, ऐसा बोलूं कि बी के राइट में जितने हैं आर के राइट में भी उतने होंगे, तो बात यहां पे सेम ही बोल रहा है, इस चीज पे कंफ्यूज मत होना। लेकिन ये भी कंडीशन ऐसी नहीं है जिससे आप क्वेश्चन को स्टार्ट कर सको। नाउ नेक्स्ट कंडीशन में पहुंचते हैं, नेक्स्ट बोलता है डी सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ बी। Now, hold on. क्या बोला है आपको? B के लेफ्ट से सेकेंड पे D है। That means कि ये कंडीशन आपको मिलती है। क्यों? क्योंकि इसमें लेफ्ट एंड राइट डिसाइड करके दिया हुआ है, बता करके दिया हुआ है। अभी तक आपको ऐसी कोई कंडीशन नहीं मिली थी जहां बताया कि किसी के लेफ्ट में या किसी के राइट में कोई पर्सन बैठ रहा है। बट यहां पे क्या बोला है कि B के सेकेंड लेफ्ट पे D बैठता है, और B क्योंकि फर्स्ट रो में बैठ रहा है और सारे ही नॉर्थ की तरफ देख रहे हैं, तो आप बोलते हो कि B को अगर मैंने यहां रखा बी को अगर मैंने यहां पे रखा तो बी के सेकंड लेफ्ट में कौन बैठता है? डी। और बी के सेकंड लेफ्ट में डी बैठ रहा है, उसके बाद क्या बोलता है इस पोजीशन में? द वन हु फेसेस डी सिट्स टू द राइट ऑफ एस। जो पर्सन डी को फेस करता है वो एस के इमीडिएट राइट में है, वो एस के इमीडिएट राइट में है। तो आपने एस के इमीडिएट राइट में बना दिया इस पर्सन को। ठीक है, क्योंकि क्यों? साउथ की तरफ देख रहा है, तो एस का राइट क्या हो जाएगा? जो आपका लेफ्ट बन रहा होगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट कंडीशन बोलता है टू पीपल। अच्छा, यहां पे बताते ही आपने इसको यहां बनाया है ना, आपने इसको यहां पे बनाया। अब एक कंडीशन ध्यान में रखो, क्या बोला था कि बी के राइट में जितने हैं उतने ही आर के राइट में होंगे। तो जरा ध्यान दो, यहां पे बी के राइट, बी के लेफ्ट में दो लोग हैं और टोटल पांच ही पर्सन हैं। बी के लेफ्ट में दो लोग हैं और टोटल पांच ही पर्सन हैं। तो अगर आपने यहां पे बी के राइट में दो पर्सन को बनाया, तो आपको आर यही रखना होगा जिसके राइट में, जिसके राइट में ऑलरेडी दो पर्सन यहां पे आपको दिखाई दे रहे हैं। आर के राइट में दो पर्सन मिले आपको यहां पे, तो यहां पे आप सिंपली बना लेते हो। अब आगे बढ़ते हैं, आगे क्या बोलता है?
डी टू पीपल सिट बिटवीन एस एंड क्यू, एस और क्यू के बीच में दो पर्सन बैठ रहे हैं, तो आप बोलते हो कि क्यू को यहाँ ड्रॉ कर दो क्योंकि एस एंड क्यू आप देख सकते हो, आर एन दिस पर्सन, कि आपने जिसको अभी ड्रॉ नहीं किया है यहाँ पे रख सकते हो. द वन हु फेसेस क्यू, जो क्यू को फेस करता है वो सी के इमीडिएट नेबर है. जो क्यू को फेस करता है, जो भी पर्सन यहाँ पे आएगा वो सी का इमीडिएट नेबर है, तो आपने सी को यहाँ पे ड्रॉ किया और सी को यहाँ पे ड्रॉ किया, तो अब पहली कंडीशन पे पहुंच जाओ. पहली कंडीशन क्या बोला था, ई सिट सेकंड फ्रॉम वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड्स. अभी सेकंड पोजीशन सिर्फ यही खाली है जहां पे आप ई को रख सकते हो, और जैसे ही ई को यहाँ रखोगे एक ही पोजिशन यहाँ पे कन्फर्म हो जाएगी, है ना. और दूसरी चीज क्या बोल करके रखा था कि ई और पी को जो फेस कर रहा है उसके बीच में एक पर्सन आएगा. अब मान लो तुमने पी को यहाँ रखा, अगर तो यहाँ पे देखो ई को फेस कर रहा है एस, पी को फेस कर रहा है डी, और अगर इनके बीच में तुम देखते हो तो कोई भी पर्सन नहीं आ रहा है. लेकिन अगर पी को आप यहाँ पे रखते हो तो ई को जो फेस कर रहा है और पी को जो फेस कर रहा है उसके बीच में एक पर्सन आया हुआ है, कौन, यहाँ पे आर यहाँ पे बी, ठीक है. जैसे ही आपने पी को क्लियर किया यहाँ पे आपको टी आंसर मिल जाता है. तो इस तरीके से आप क्वेश्चंस को करोगे ताकि आप क्वेश्चन में फंसो नहीं, अदरवाइज आप उसी में उलझ के रह जाओगे बच्चे. तो पहचानना पड़ेगा आपको यहाँ पे कि कौन सी कंडीशन के थ्रू कौन से ऐसा स्टेटमेंट दिया हुआ है जिससे लोगों की पोजीशन कंफर्म हो रही हो रो में, या अरेंजमेंट में आपकी पोजीशन कंफर्म की जा रही हो, कौन सा ऐसा स्टेटमेंट दिया है, और उसी स्टेटमेंट से आपको यहाँ पे स्टार्ट करना होगा, ठीक है. आई होप कि क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा. तो अब क्वेश्चन में जो अरेंजमेंट आपको क्लियर हुई होगी, अब ना क्वेश्चन की बारी है. पहला क्वेश्चन बोलता है आपको हु अमंग्स दिस Following sits second to the left of the person who faces P. P को जो person face कर रहा है उसके left से second place पे कौन बैठा हुआ है, P को कौन face कर रहा है, C, और C के left से second place पे जाओगे तो E आपको दिखाई देता है. That means आपका answer यहाँ पे क्या हो जाएगा, option number C. Next question की तरफ बढ़ते हो जो कि इसी arrangement से है. Which of the following is true regarding C? C के regarding क्या true है, तो पहले तो यहाँ पे पढ़ लो. C sits second to the left of E. E के लेफ्ट से सेकंड पे, लेकिन यहाँ पे आप देखते हो कि E के राइट से सेकंड पे C है, तो मतलब पहला गलत है यहाँ पे. C sits opposite to S. C जो है S के अपोजिट बैठा है, तो ये भी गलत है. Three people sit between the one who faces C and T. C और T के बीच में तीन लोग बैठ रहे हैं. C और T जिनको फेस कर रहा है उनके बीच में तीन लोग बैठ रहे हैं, तो ये भी कंडीशन गलत है यहाँ पे. टू पीपल सिट बिटवीन सी एंड डी. सी और डी के बीच में दो पर्सन बैठे हैं, तो ऑफकोर्स ये कंडीशन बिल्कुल सही है. दैट मीन्स यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 30 का सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग्स द फॉलोइंग फेसेस आर. आर को कौन फेस कर रहा है, तो आप बता सकते हो दैट इज बी, क्योंकि आपकी अरेंजमेंट तो सॉल्व हो चुकी है, तो इजीली आप क्वेश्चन को आंसर कर सकते हो. यहाँ पूछता है नेक्स्ट क्वेश्चन में कि कितने लोग क्यू और एस, नहीं यहां पूछ रहा है क्वेश्चन में Q को जो फेस कर रहा है और S को जो फेस कर रहा है उनके बीच में कितने लोग बैठते हैं. तो देखो यहाँ पे Q को फेस करता है A, S को फेस कर रहा है E, और E और A के बीच में दो पर्संस बैठे हुए हैं. दैट मीन्स आपका आंसर यहाँ पे B हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाओ. नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोलता है, इनमें से कौन सा ऐसा है जो इस पर्टिकुलर ग्रुप से बिलोंग नहीं करता. दैट मींस यहाँ पे सिंपली पूछ रहा है कि इनमें से ऑड वन आउट आप निकाल दो. तो यहाँ पे ऑप्शन क्या क्या है, टी ए क्यू आर एन डी. तो आप देख लो यहाँ पे क्वेश्चन में टी एक्सट्रीम एंड पे, ए एक्सट्रीम एंड पे, यहाँ पे डी एक्सट्रीम एंड पे, क्यू एक्सट्रीम एंड पे. दैट मीन्स आर जो है वो मिडिल में बैठ रहा है और यही सेम प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करता है, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा बी करेक्ट. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है वो है आपका ऑर्डर को लेकर के. बहुत सिंपल सा क्वेश्चन दिया हुआ है. यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, सम पेंसिल्स वाज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग सिक्स स्टूडेंट्स. कुछ पेंसिल्स डिस्ट्रीब्यूट की गई हैं कुछ छह स्टूडेंट्स के बीच में. किस ऑर्डर में किसको कितनी मिली हुई है यहाँ पे ये डिफाइन किया है. तो सबसे पहली कंडीशन क्या बोलता है, ए रिसीव्ड मोर देन ओनली बी, मतलब सिर्फ ए ही है जो, सॉरी, बी से ही केवल ए सबसे ज्यादा पेंसिल पाता है. ठीक है, सिर्फ बी से पाता है. नेक्स्ट में बोलता है एक्स रिसीव्ड मोर देन जेड, एक्स जो है वो जेड से ज्यादा पा रहा है, एक्स जो है वो जेड से ज्यादा पा रहा है. फिर बोल रहा है वी रिसीव्ड, डब्ल्यू रिसीव्ड मोर देन ए,
W जो है वो A से ज्यादा मिल रहा है उसको और W को Z से कम मिलता है. नेक्स्ट स्टेटमेंट में यही दिया हुआ है, W को Z से कम मिलता है. W received less than Z, that means कि Z ज़्यादा पा रहा है W से, but Z के लिए भी एक condition दे करके रखी है, who received less than Y. अब यहाँ पे देखो एक चीज़ आती है कि Y जो है वो भी Z से ज़्यादा पा रहा है, X जो है वो भी Z से ज़्यादा पा रहा है, but X और Y में कौन ज़्यादा पा रहा है ये define नहीं कर रहा है, और ये define नहीं कर रहा, that means कि आप X और Y की places को fix नहीं कर सकते, तो इसको oblique करके आपको लिखना पड़ेगा, या तो X ज़्यादा पा रहा होगा Y से, या फिर Y ज़्यादा पा रहा होगा X से. ठीक है, सिंपली आपकी अरेंजमेंट बन गई. नाउ क्वेश्चन की बारी है, क्वेश्चन में क्या बोलता है कि कितने लोग ऐसे हैं जो W से कम पाते हैं, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि आपका आंसर क्या हो सकता है, सिर्फ दो लोग ऐसे हैं, तो आपका आंसर यहाँ पे बन जाएगा डी. नेक्स्ट क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है, इसी क्वेश्चन को लेकर के है, क्या बोलता है इसमें, हु अमंग देम रिसीव्ड द हाईएस्ट नंबर ऑफ पेंसिल. आप डिफाइन यहां नहीं कर सकते हो, बट क्योंकि यहां ऑप्शन में आपको दोनों ही देकर के रखा हुआ है, आइदर एक्स और वाई, तो आप ऑप्शन डी के साथ जाओगे, दैट वुड बी द करेक्ट आंसर. और ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था, SBI क्लर्क 2019 में जो 35 क्वेश्चंस पूछे गए थे, वो सारे क्वेश्चंस मैंने यहाँ डिस्कस किए आपके साथ. आई होप कि आपको क्वेश्चंस क्लियर हुए होंगे, समझ में आया होगा. तो नेक्स्ट वीडियो के साथ, 2018 का वीडियो के साथ मैं फिर से आपके साथ ऐड होंगी. तब तक के लिए थैंक यू सो मच गाइस. आई होप कि आप पढ़ाई बेहतरीन तरीके से कर रहे होगे, अच्छे तरीके से कर रहे होगे. ऑल